सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। ओके, तो आप आपके एयरटेल नंबर पे फ्री में कॉलर ट्यून लगा सकते हो। और दोस्तों, कॉलर ट्यून लगाने के लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री है सब एयरटेल यूजर्स के लिए। ओके, तो आप अगर आपके एयरटेल नंबर पे कॉलर ट्यून लगाना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप अगर इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो मिस हो जाएगा और आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। ओके, तो एयरटेल कॉलर ट्यून सेट करने के लिए अगर मैं प्ले स्टोर पर सर्च करता हूँ एयरटेल कॉलर ट्यून सेट, तो इधर आप लोगों को काफ़ी सारा फर्जी एप्लीकेशन मिल जाता है जिससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, एयरटेल में कॉलर ट्यून सेट करने के लिए एक ही ऐप है जो एयरटेल का ऑफिशियल ऐप है और इस ऐप का नाम है विंक म्यूजिक। रुको जरा, सबर करो। तो अभी डाउनलोड करने जाओगे तो सेट नहीं कर पाओगे, उसलिए पूरा प्रोसेस को आपको समझना है। एनीवे, तो चलिए मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो चलिए गूगल प्ले स्टोर से विंक म्यूजिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक विंक म्यूजिक डाउनलोड हो रहा है तब तक आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विंक म्यूजिक हमारा इंस्टॉल हो गया, इसको अभी ओपन कर लेते हैं। तो विंक म्यूजिक ओपन करने के बाद कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर आपको कर देना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इधर डाल देता हूँ। तो मैंने मेरा एयरटेल नंबर डाल दिया, तो अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो OTP आ जाएगा, OTP ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, तो नॉट नाउ कर देते हैं। और विंक म्यूजिक का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है। तो इस एप्लीकेशन में आप कोई भी गाना सुन सकते हो सर्च करके, लाइक DJ राजेश 1 2 3 4। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक कर रहा था। और उसी गाना को आप सेट भी कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन पर कॉलर ट्यून सेट करने का दो तरीका है। तो कॉलर ट्यून लगाने का सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इधर आपको कॉलर ट्यून लगाने के लिए आपकी मनपसंद कोई भी सॉन्ग इधर से आप सर्च करके लगा सकते हैं। सपोज मैं इधर ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मैं इधर क्या करता हूँ कि इस सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। गाना चालू होगा, तो अभी मैं म्यूजिक प्लेयर में चला जा रहा हूँ और इधर डाउनलोड के साइड में एक हेलो ट्यून करके ऑप्शन मिल रहा है, इधर से आप हेलो ट्यून में क्लिक कर दीजिए। तो आप लोगों को इधर 5 टाइप की वैरायटी मिल जाएगा, आपका मनपसंद कोई भी आप इधर से सेट कर सकते हो। तो ये गया पहला तरीका। अभी मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूँ हेलो ट्यून सेट करने का। तो इधर नीचे आप लोगों को दिखा रहा है होम माई लाइब्रेरी पॉडकास्ट एंड हेलो ट्यून। तो आप लोगों को हेलो ट्यून में चले जाना है। तो इधर आप लोगों को कोई भी गाना वगैरह नहीं मिलेगा, आपको इधर सिर्फ हेलो ट्यून ही मिलेगा। जैसे यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज में अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, वैसे ये हेलो ट्यून का ट्रेंडिंग पेज होता है। तो इधर से आप कोई भी सिलेक्ट करके हेलो ट्यून सेट कर सकते हो। तो मैं इधर आप लोगों को दिखाता हूँ एक हेलो ट्यून सेट करके। तो इस पर क्लिक कर देंगे, देन सेट हेलो ट्यून पर क्लिक कर देंगे। तो आपके पास अगर विंक म्यूजिक प्रीमियम है तो आप स्पेसिफिक पीपल के लिए हेलो ट्यून सेट कर सकते हो। जैसे कि आप अपने दोस्त के लिए एक हेलो ट्यून सेट कर दिया, अपनी फैमिली के लिए एक हेलो ट्यून सेट कर दिया, वैसे ही अलग अलग हेलो ट्यून अलग अलग पीपल के लिए आप सेट कर सकते हो। और आपके पास अगर विंक म्यूजिक प्रीमियम नहीं है तो आप इधर ऑल कॉलर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, देन सेट हेलो ट्यून पर क्लिक कर दीजिए। तो इधर हमारा हेलो ट्यून लग गया है। तो हमने तो हेलो ट्यून सेट कर लिया, तो अभी इसको डीएक्टिवेट कैसे करें? तो इधर मैनेज दिखा रहा है, मैनेज पे चले जाइए, देन इधर ऑल कॉलर्स पे चैन माई ऐप है, इधर एक टिक मार्क दिख रहा है, इधर चले जाइए। देन आपको इधर मोड पे दिखा रहा है रिमूव करंट हेलो ट्यून, इस पर क्लिक कीजिए, देन यस कर दीजिए, तो आपका हेलो ट्यून रिमूव हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लो, आप अगर आज कॉलर ट्यून सेट करते हो तो आपका कॉलर ट्यून 28 दिन के बाद डीएक्टिवेट हो जाएगा, ये एयरटेल का एक रूल है। तो फिर से कॉलर ट्यून को एक्टिवेट करने के लिए विंक म्यूजिक ऐप को ओपन करिए, देन हेलो ट्यून में चल जाइए और आपने लास्ट टाइम जो हेलो ट्यून सेट किया था वो इधर मिल जाएगा। तो इधर मैनेज पे जाना है आपको, इधर एक एरो दिख रहा है, इधर प्रेस कीजिए, देन सेट अगेन कर दीजिए, आपका हेलो ट्यून फिर से सेट हो जाएगा। तो मैं इधर सेट अगेन कर रहा हूँ, इधर सेट हेलो ट्यून पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं मेरा हेलो ट्यून फिर से दोबारा सेट हो गया है। तो दोस्तों, विंक म्यूजिक पे आप जो भी गाना सर्च करते हो आप लोगों को मिल जाता है, तो उसी गाना को कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो। लेकिन 100 में से 2-3 ऐसा गाना है जिसका कॉलर ट्यून अभी तक नहीं बना है विंक म्यूजिक पे, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि इसका कॉलर ट्यून मुझे चाहिए, और बाद में वो कॉलर ट्यून अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, कॉलर ट्यून सेट करके अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को गाना सुनाइए और मजे कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। बाय बाय।